जहां खड़कुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला के समीप फिजियोथेरेपिस्ट युवती घर लौट रही थी, इसी दौरान एक युवक ने उसे रोका और गाड़ी की चाबी निकालकर गाली गलौज करते हुए हाथ पकड़ लिया। छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट की। सूचना मिलने के बाद खारकुआ थाना क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज ने घेराव कर आरोपियों को गिरफ्तार कर मकान तोड़ने की मांग की है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं अन्य की तलाश जारी है। खारकुआ थाना क्षेत्र के मिर्ची नाला शीतला माता मंदिर की गली से होकर शाम करीब 6 बजे फिजियोथेरेपिस्ट युवती स्कूटी पर जा रही थी, इसी दौरान गली में खड़े हितेश नामक युवक ने युवती की गाड़ी रोकी और गाड़ी की चाबी निकाल ली। उसने बुरी नीयत से हाथ पकड़ा, विरोध करने पर मारपीट की। घबराकर युवती ने जब आवाज लगाई तो इसी दौरान उनके क्षेत्र का एक लड़का जा रहा था, उसने जब आकर युवकों को छेड़छाड़ करने से मना किया तो हितेश ने 4 अन्य साथियों को भी डंडों के साथ बुला लिया। हितेश ने युवती को भी चांटे मारे, उसके अन्य साथी मारते हुए गालियां भी दे रहे थे। मारपीट की घटना के बाद में युवती परिजनों के साथ खारकुआ थाना रिपोर्ट लिखवाने पहुंची। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज थाने पहुंचा। मुस्लिम समाज की युवती के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग खारकुआ थाने पहुंच गए। यहां पर समाजजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उनके भी मकान तोड़ने की मांग की। थाने पर भीड़ अधिक होने के बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स थाने पर लगाया गया था। मुस्लिम समाज की ज्योति के साथ हुई घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग खारकुआ थाने पहुंच गए। यहाँ पर समाजजनों ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करते हुए उनके भी मकान तोड़ने की मांग की। थाने पर भीड़ अधिक होने के बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स थाने पर लगाया गया था। घटना के बाद खारकुआ थाना पुलिस ने 2 युवकों को क्षेत्र से पकड़ लिया है। आरोपी के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 354, 341, 323, 294, 506, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम से चर्चा कर मकान तोड़ने की कार्यवाही की जाएगी। वो थाना खारकुआ क्षेत्र गोला मंडी क्षेत्र में एक लड़की के को कुछ लड़कों ने लाठी से पिटाई कर दी थी, जिसके संबंध में उसके परिजन उसको थाने का पर लेकर आए थे। संबंधित को थाने पर ले जा करके उसकी FIR दर्ज करवाई गई है और जो भी उसने आरोपियों के नाम बताए हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए टीम रवाना कर दी गई है और जो भी लड़की ने आरोप बताए हैं उस आरोपों के अकॉर्डिंग संबंधित सेक्शंस लगाए गए हैं। अभी जैसे कि प्रारंभिक दृष्टि से संबंधित लड़की ने 3 लोगों का नाम बताया है और जिसमें एक महिला भी शामिल है, तो इन पर FIR दर्ज की गई है नामजद, और अगर जांच में कुछ और लोग शामिल रहेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो उनका नाम भी पृथक से जोड़ा जाएगा। अभी फिलहाल में विवाद बहुत कोई मूल कारण तो समझ में नहीं आया है, हल्की फुल्की नोकझोंक के बाद ही ये चीज़ें विवाद बढ़ गया उनके बीच में। उल्टा तो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ का आरोप सामने नहीं आया है, बात केवल ये सामान्य नोकझोंक और कोई लेडीज़ ने हाथ पकड़ा और किसी लड़के ने एक डंडे से उसकी पिटाई कर दी, इस टाइप का आरोप सामने आया है।